फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गेहूं के आटे का एक हेल्दी टेस्टी नाश्ता की रेसिपी। इस नाश्ता को बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी होता है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू राधास किचन। सबसे पहले एक बाउल में 1/4 कप हम गुड़ डालेंगे। गुड़ को मैं इस तरह ग्रेट करके ले लिया हूँ। अभी इसमें हल्का गुनगुना पानी 1 ग्लास डालेंगे। गुनगुना पानी डालने से इसमें जल्दी ये मेल्ट हो जाता है। नॉर्मल पानी में गुड़ थोड़ा टाइम लगता है मेल्ट होने के लिए। इस तरह चम्मच की सहायता से या फिर हाथों से इसको अच्छे से घोल लेंगे। इस तरह का घोल तैयार हो गया है गुड़ का। अभी इसमें 2 पिंच करीब नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच हम इलायची का पाउडर डाल देंगे। ये फ्लेवर के लिए है, अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे। अभी इसमें 1 कप गेहूं का आटा डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे और अच्छे से मिलाते रहेंगे। एक साथ आटे को नहीं डालना है। अच्छे से मिलाएंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा भी गुठलियाँ नहीं होना चाहिए। बिस्कर हो या फिर हाथों में भी आप इस तरह का घोल तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, इस तरह का बैटर होना चाहिए। चम्मच के पीछे एक कोटिंग आना चाहिए और इस तरह का उंगली से निशान करेंगे तो इस तरह फैलना नहीं चाहिए। बैटर हमारा परफेक्ट बनेगा तभी नाश्ता परफेक्ट बनेगा। अब इस बैटर को हम साइड में रख देते हैं। गैस के ऊपर तवा या फिर एक पैन गर्म करेंगे। इसमें थोड़ा सा ही ऑयल ग्रीस कर लेंगे और 1 चम्मच भरकर इसमें बैटर डालेंगे। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम में रखेंगे। बैटर डालने के बाद कुछ सेकंड इसको इस तरह छोड़ देंगे। ऊपर का हल्का सा ड्राई हो जाएगा तभी हम इसको पलट देंगे। 2 बार पलटते पलटते इसको सेकेंगे, फिर इसमें ऑयल लगाएंगे। देखिए इस तरह प्रेस करते रहेंगे ना तो जल्दी ये सिक जाता है। ऊपर हल्का सा हम ऑयल लगा लेंगे और अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो या फिर ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं। देखिए अभी पलट देते हैं। इसका टेस्ट जो है ना मालपुआ के जैसा ही आएगा। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है गुड़ और गेहूं का आटे का हेल्दी नाश्ता है ये। अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो इस तरह का नाश्ता आप घर पर ज़रूर बनाइएगा। अगर आप मीठा नहीं खाते हैं तो भी इस तरह का बिना गुड़ का बैटर बनाकर, आटे का बैटर बनाकर, छोटा छोटा प्याज टमाटर काटकर इसमें डाल सकते हैं और इस तरह का नाश्ता बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अलटते पलटते इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अभी इसको निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस में और एक बना के दिखाती हूँ आपको मैं। पैन में हल्का सा ऑयल ग्रीस करेंगे। 1 चम्मच भरकर बैटर डालेंगे। 1 मिनट तक इस तरह छोड़ देंगे। फिर हम 2 से 3 बार पलटते पलटते इसको हम सेक लेंगे और थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर से लगा लेंगे। स्पैचुला में हम प्रेस करते हुए इसको सेक लेंगे। दोनों साइड का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तभी हम निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस में हम सारे नाश्ता को बनाकर रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये लीजिए गेहूं का आटे का और गुड़ का स्वादिष्ट नाश्ता बनके रेडी है। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। बहुत कम समय में परफेक्ट नाश्ता बनके रेडी हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट बना है, यमी बना है, बहुत कम समय में बनके रेडी हो गया है। ये बहुत ही सॉफ्ट है, मैं आपको इस तरह मोड़ के दिखाऊँगी आपको और तोड़ के भी दिखाऊँगी ये कितना सॉफ्ट है। सारे नाश्ता बहुत अच्छा परफेक्ट भी बना है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। इस तरह का नाश्ता आप घर पर बनाकर खाइए और कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मुंह में घुल जाने वाला नाश्ता बनके रेडी है। देखिए तोड़ने से आपको पता चल रहा होगा ये कितना सॉफ्ट है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसी तरह न्यू रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।